हे गाइस, वेलकम टू इजाज ब्लॉग्स। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है थारा भाई जोगिंद्र वर्सेस दीपक कलाल की तरफ से। जी हाँ, तो भैया दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। दरअसल ये लोग जो है लाइव आए थे जहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और इन दोनों की फाइट भी कुछ ऐसी फाइट होती है कि देख के हंसी आ जाए। तो अभी मैं आप लोग को उस लाइव में से कुछ क्लिप्स बताऊंगा जहाँ पर थारा भाई जोगिंद्र ने कहा कि वो जो है बिग बॉस 16 में आएंगे। ऑल्सो उन दोनों के बीच बहस हो रही थी, आप लोग क्लिप देख लो। दीपक कलाल, तेरी खोपड़ी में इतने घुसंड मारूंगा। बिग बॉस 16, थारा भाई जोगिंदर इज कमिंग। रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। तेरा क्या इल्यूमिनाटी भी आया था, तेरे पंगे के बीच में मता, और ना मेरे बिग बॉस के बीच में मता, मरना फाड़ के फेंक दूंगा। बिग बॉस बम्बई में है, तू वहाँ पे जीबी रोड में फंसा पड़ा है, तो तू मेरे को बता तू बिग बॉस कैसे जाएगा भाई? अबे रोकना, जोगिंदर आएगा। जोगिंदर के खिलाफ ये बोल रहा है कि जोगिंदर को रोको बिग बॉस के अंदर जाने से। अबे तू रोकेगा क्या? मैंने यूं ना कहा भाई, जोगिंदर को रोको, नू बोलू जोगिंदर को ठोको। बिग बॉस 16 के अंदर आने से ना हिंदुस्तान की कोई पावर नहीं रोक सकती जोगिंदर को। बिग बॉस के अंदर मेरी एंट्री होगी ना, उस टाइम पूरा सोशल मीडिया हैंग होगा। ऑल्सो गाइस, मिथपैट की तरफ से जो वीडियो आने वाला था थारा भाई जोगिंदर के साथ, वो भी आ चुका है। थारा भाई जोगिंदर वर्सेस मिथपैट, इसमें से भी आप लोग एक शॉर्ट क्लिप देख लो। सब कर सकता है जोगिंदर, तो मिथपैट जैसी एक हाइट भी तो होनी चाहिए भाई। हाइट से कुछ नहीं होता ना, आप भी ऊंचे हो ही, हाइट से कुछ नहीं होता ना, हाइट तो कंगारू की भी होती है। सही बात है, गलत बात है? ठीक है, जो हुआ खत्म कर दिया। मेरे को बंदा बहुत मस्त लगा। अभी जो भी बनाया था वो आप लोगों को हंसाने के लिए, फन के लिए बनाया था। गाइस, अगली जो न्यूज़ आ रही है सौरव जोशी व्लॉग्स एंड एमएसके व्लॉग्स की तरफ से, तो भाई लगता है हमें जो है बहुत ही जल्द सौरव एंड एमएसके इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। उसी के बारे में बात यह है सौरव जोशी ने अपने वीडियो में, आप लोग देख लो। अरे एमएसके भाई का फोन आ रहा है, मेरी ऑडियंस को हाय बोल दो। तो गाइस, एमएसके भाई से बात तो हो चुकी है, शायद हम साथ में लद्दाख कर सकते हैं दो फॉर्च्यूनर में। ऑल्सो गाइस, एक और क्लिप बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई पीयूष, उसे जो है गेमिंग सेटअप बना के दिया गया है। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये उम्र में नहीं देना चाहिए था तुम्हें, उसे अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसी को लेकर सौरव जोशी उन्होंने कुछ कहा, आप लोग देख लो। बाय द वे, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, दो दिन से हम गांव से आए हुए हैं, पीयूष ने गेमिंग पीसी को हाथ में लगाया, उसके अंदर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है गेम खेलने का, गेमिंग पीसी चलाने का या फिर वीडियो बनाने का कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। इवन उससे ज्यादा तो स्कूल जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहता है, स्कूल जड़ा जाने के लिए, फिर बाहर पार्क में फिजिकल गेम खेलने के लिए, उसके अंदर पीसी का या फिर गेम खेलने का बिल्कुल भी, बिकॉज उसने अभी तक हाथ में लगे इवन कहा भी नहीं कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पता नहीं मुझसे डरता है या क्या है, मैं मना कर दूंगा, पर चलो जो भी है सही है कि मेरे परमिशन के बिना वो हाथ भी नहीं लगाता, ये मैंने देख लिया। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें गेमिंग पीसी दिला दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप खुद ही देख लो, आपने खुद ही देखा होगा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वो आया तक नहीं यहाँ पे, गेमिंग पीसी उसने टच भी नहीं करा। गाइस, अगली जो न्यूज़ आ रही है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से, तो भाई उनके चैनल पे जो है स्ट्राइक पड़ गई। जी हाँ, जिसकी वजह से वो अब वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, माय यूट्यूब अपलोडिंग इज डिसेबल्ड टिल थर्सडे ऑन ट्रिगर्ड इंसान चैनल। बॉस अनहैप्पी हो गए हैं फिर से। किसी ने कहा, ऐसे अपलोडिंग डिसेबल कैसे कर सकते हैं? पर उस पर ट्रिगर्ड इंसान ने कहा, स्ट्राइक मार के। एंड फिर किसी ने कहा, ये यूट्यूब वाले मिलकर सबको पागल बना रहे हैं, कल से 3-4 क्रिएटर्स की स्टोरी देखा हूं, उनकी भी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। उस पर ट्रिगर्ड इंसान ने कहा, अपलोड ना होना एंड अपलोडिंग डिसेबल में फर्क होता है। तो भाई थर्सडे तक ट्रिगर्ड इंसान वो कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। ऑल्सो ट्रिगर्ड इंसान को लेकर एक और अपडेट है कि भाई उनकी तरफ से जो वीडियो आने वाला था डेट विद अ गेमर, फाइनली वो आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। गाइस, अगली जो न्यूज़ आ रही है मिस्टर फैसू 07 की तरफ से, तो भाई मिस्टर फैसू वो जो है कोई बड़ा कोलैबोरेशन करने वाले हैं। जी हां, उसी को लेकर उन्होंने स्टोरी अपलोड की है, आप लोग देख लो। व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज मेरा लास्ट डे है न्यूयॉर्क में, और मैं एक बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन के लिए भी जा रहा हूँ बस, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है कोलैबोरेशन। और सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कंगना रनौत की तरफ से जो है शो आ रहा है लॉकअप, तो उसी का जो एक प्रमोशन वीडियो शेयर किए है फैसू ने, जहाँ पर वो कंगना रनौत के साथ है। अब जाहिर सी बात है ये प्रमोशन वीडियो है, लेकिन चांसेस है कि भाई फैसू भी उस शो में हो सकते हैं। अब देखते भाई आगे क्या होता है, क्या अपडेट आती है, जो भी आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है बीबी की वाइन के भुवन बाम की तरफ से, तो भाई भुवन बाम की जो वेब सीरीज है ढिंडोरा, उसको लेके भुवन बाम को नॉमिनेट किया गया पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में, वो भी टीम ITA की तरफ से। उसी पर भुवन बाम ने कहा, थैंक यू फॉर द नॉमिनेशन। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं सच्चे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, स्लैप। अबे साले।